इंडिया में Redmi Note 10 सीरीज सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज मानी जाती है और हर साल Xiaomi Redmi Note सीरीज में दो नए डिवाइस लॉन्च करता है। 2020 की स्टार्टिंग में Redmi Note 9 सीरीज आप ऑलरेडी देख चुके हो और अब बारी है Redmi Note 10 की। तो अगर आप Redmi Note 10 सीरीज को लेकर थोड़ा सा भी एक्साइटेड है तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ इस डिवाइस को लेकर, तो वीडियो के साथ में लास्ट तक बने रहिए। ऑलराइट गाइस, सो Xiaomi ने कल ग्लोबल इवेंट में Mi 10T सीरीज को ऑफिशियल लॉन्च कर दिया, जहाँ बेसिकली तीन डिवाइस लॉन्च किए, Mi 10T, Mi 10T Pro और Mi 10T Lite 5G वेरिएंट। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग डिवाइस था Mi 10T Lite, जो कि बहुत ही जल्द Redmi Note 10 के नाम से चाइना में लॉन्च होने वाला है और इंडिया में भी ये डिवाइस आपको देखने को मिलेगा। अब स्पेक्स क्या होंगे तो उन सब को लेकर आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जहाँ सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन को लेकर, तो देखने में डिवाइस बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको रिसेंटली पोको X3 के साथ में देखने को मिलता था। अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि रेयर साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट के बैक की बजाय ग्लास बैक देखने को मिलेगा विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। फ्रंट में आपको 6.67 इंचेस का फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है सेंट्रल पंच होल कटआउट के साथ में। ये डिस्प्ले एक IPS LCD पैनल होगा, बट यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है और 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले AMOLED तो नहीं होगा, बट IPS LCD पैनल के अकॉर्डिंग एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। कैमरास को लेकर बात करें तो रेयर साइड में आपको लगभग सेम क्वाड कैमरा सेटअप ऑफर किया गया है जो आपको पोको X3 के साथ में भी देखने को मिलता था, जहां 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट सेंसर। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सो कैमरास के अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। ये डिवाइस 6GB 64GB और 6GB 128GB वेरिएंट के साथ आएगा, जहां LPDDR4X रैम है, बट स्टोरेज जो है वो आपको 64GB में UFS 2.1 देखने को मिलता है और 128GB वेरिएंट में 2.2 का देखने को मिलेगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स आपको MIUI 12 और Android 10 का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी को लेकर बात करें तो ये डिवाइस 4820mAh की बैटरी के साथ में आएगा, जहां पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। अब गाइस बात आती है प्रोसेसर को लेकर, जो कि इस डिवाइस का सबसे मोस्ट हाइलाइटेड फीचर है, क्योंकि यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 750G का एक न्यू चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 7nm बेस एक 5G चिपसेट है और ये क्वालकॉम की तरफ से एक लेटेस्ट चिपसेट है, जहां पर आपको एड्रीनो 650 का GPU देखने को मिलता है। सो प्रोसेसर वाइज तो ये डिवाइस काफी पावरफुल है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 3.5mm का ऑडियो जैक, IR ब्लास्टर और स्टीरियो स्पीकर्स जैसे फीचर्स भी आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब गाइस बात आती है प्राइसिंग को लेकर, तो ये डिवाइस 64GB वेरिएंट के ऊपर 279 यूरोज़ के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हुआ है और ऑफर में इसका प्राइस 249 यूरोज़ रखा गया है, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 21,000 रुपये के करीब है। अब आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि जो ग्लोबल वेरिएंट होता है उसका प्राइस इंडियन प्राइस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, तो जो इंडियन प्राइसिंग होगा वो डेफिनेटली 20,000 के नीचे देखने को मिलेगा। अब ये जो डिवाइस है ये पहले चाइना में Redmi Note 10 के नाम से लॉन्च होगा और उसके बाद आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा, बट ऐसे कुछ लीक्स है कि इंडिया में ये डिवाइस मोस्ट प्रोबेबली 4G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि BIS सर्टिफिकेशन पर एक डिवाइस पकड़ा गया है जो कि हो सकता है कि Redmi का Note 10 हो 4G कनेक्टिविटी के साथ में, जहां आपको Snapdragon 750 की जगह शायद से Snapdragon 730 2G देखने को मिल जाए और जो Pro वेरिएंट होगा वहां शायद आपको Snapdragon 750G देखने को मिल जाए। तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आपको Redmi Note 10 सीरीज में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो अभी ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है, बट अगर ये 5G कनेक्टिविटी के साथ आया तो डेफिनेटली काफी मजा आने वाला है, तो Redmi फैंस के लिए एक बहुत ही जबरदस्त डील होगी। बाकी गाइस आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आप इस डिवाइस को लेकर एक्साइटेड हैं और आपके अकॉर्डिंग इस डिवाइस को इंडिया में किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च किया जाना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।